हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोसली विधानसभा से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव एवं भाजपा के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव का नाम लिए बिना कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कोसली से ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिलवाते हैं जो काबिल ही नहीं होते और शायद यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में कोसली में ना तो युवाओं को रोजगार मिला और ना ही कोई विकास हुआ। जगदीश यादव कोसली में कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान क्या कुछ कहा जगदीश यादव ने आप खुद ही सुन लीजिए। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार हमें चुनाव जिताएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो देखा एक अनाज सौ बीमार एक टिकट बागराने क्या कहेंगे? ये तो होता ही है। टिकटार्थी अगर नहीं होंगे तो पार्टी का प्रभाव कैसे नजर आएगा? जब देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का की सरकार बनने जा रही है तो निश्चित तौर पर बहुत से सारे साथी प्रयास करेंगे कि हमें मिल जाए तो शायद हमारा भी दाव लग जाए, इसलिए प्रयास करना उनका फर्ज है। यदि इस बात पर आरती राव या रवि कुमार को उतारा जाता है क्या मुकाबला सही है? मुकाबला क्या है, वो तो एक तरफ है हमारा चुनाव, किसी को भी उतार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं तो राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ ही जीता था मैं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चुनाव में आता है। वो जनता को फैसला करना है, जनता किसको चाहती है वो उसको जिताएगी। अपनी टिकट के लिए कितनी आश्वस्त है सर? मैं 100% आश्वस्त हूँ क्योंकि पार्टी ने एक बात कही है कि हम सर्वे करवा करके टिकट देंगे, तो सर्वे जब होगा या हुआ होगा तो निश्चित तौर पर मेरा नाम सबसे ऊपर आया। यदि पुरानी सरकार फिर भरोसा जमा दे देती है तो कदम क्या होगा? नहीं, अगर वगैरह की बात नहीं ना, जो सर्वे में नाम ही नहीं आएगा तो किसको देगी? उनको पार्टी से जीतने वाला उम्मीदवार चाहिए, तो हारने वाले क्यों देगी? जब जीतने वाला उनके पास है तो हारने वाले क्यों देगी? सरकार नहीं बनानी। सुनील रावेदार कहने की हमारी जेब में टिकट है वो जेब में रखो अपनी, लड़ो नॉमिनेशन करो फाइल, पता लग जाएगा कितनी टिकट जेब में लिए घूम रहे। हमारे पास तो जेब में नहीं, हमें तो लिस्ट लगी तो पता लगेगा किसको मिली। मुद्दे वही है, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः विफल सरकार रही है, हर मोर्चे पर विफल रही है। ना बच्चों को रोजगार मिला, ना इलाके का विकास हुआ, हर दृष्टि से जनता ने सरकार को नकार दिया है। जनता बहुत निराश है और आने वाले इस चुनाव में बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक बात बताइए, जनता ठगासा महसूस कर रही है एमएलए क्या? ठगासा महसूस इसलिए कर रही है कि उन्होंने जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही और उनके विधायक बने, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी, अपने आप को ठगासा महसूस किया क्योंकि जिन लोगों को चुन करके भेजा वो इस काबिल नहीं थे वो इलाके का विकास करवा पाए, इलाके में काम करवा पाए, इलाके को सम्मान दे पाए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने उनको टिकट दिलवाई थी और राव साहब उन लोगों को टिकट दिलवाते हैं जो काबिल होते ही नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।